बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरोफियत से होंगे। मैं हूँ रिजवान जुवेद फ्रॉम गॉर्डियन कॉलेज चौक आजम। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, दैट वन इज फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो सबसे पहले तो हमें देखने की ज़रूरत है व्हाट इज सोलेनाइड। मोस्टली हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, ये उनके अंदर बेसिक इनका कंपोनेंट होता है, तो ये उनके अंदर पाया जाता है। वो चाहे आप ट्रांसफार्मर की बात करें, वो चाहे एक मोटर की बात करें, तो उनके अंदर ये मौजूद होगा। तो सोलेनाइड कैसे बन सकता है? सिंपली आप खुद भी बना सकते हैं इसको, कि सिंपली आप एक वायर लें, उसको क्या करें, इस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर बना लें। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक सोलेनाइड बन जाएगा। तो देन अगर हम इसको कनेक्ट करें किसी बैटरी के साथ, तो क्या होगा, इसमें से करंट गुजरना शुरू होगा। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो आप ये देखें, अगर आप इस वीक के अंदर इसको अटैच किया है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, तो देन क्या हुआ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो अब अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप देखें ये इनसाइड द सोलेनाइड ये फील्ड देखें यूनिफॉर्म है। तो ये जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक दूसरे के पास पास हैं। तो यहां से हम फिर कह सकते हैं फील्ड क्या स्ट्रांग है और यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड में फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, ये फील्ड लाइंस जो एक दूसरे से दूर होती हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। इट मीन्स जो आउटसाइड इस सोलेनाइड का आउटसाइड फील्ड होगा वो क्या होगा, वीक। तो जब हम कंपेयर करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड फील्ड को, तो हम कहेंगे कि जो आउटसाइड फील्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड फील्ड। तो अब अगर हम डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए सिंपली हमारे पास राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल के अंदर क्या करें, सिंपली वो जो आपके पास सोलेनाइड है, यदि जिस तरह ये सोलेनाइड, तो उसको अपने हाथ के अंदर मुट्ठी में बंद कर ले। ये जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन आपको दे रही है बेटा किसकी, करंट की। और ये जो थंब है ये आपको देगा डायरेक्शन किसकी, नॉर्थ की। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ। और ये वाली जो साइड है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साउथ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सोलेनाइड को अपने राइट हैंड के अंदर अंदर पकड़ें, एंड देन ये जो फिंगर्स हैं ये क्या बताएंगी आपको, ये करंट की डायरेक्शन। और ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ। और अगर ये नॉर्थ है तो ये सिंपली क्या होगा, साउथ। जिस तरह ये देखें, ये नॉर्थ फील्ड लाइंस इधर से जा रही हैं और ये क्या है, साउथ इधर से आ रही हैं। अब इसके बाद बेटा हमें कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का, सॉरी डॉट और ये क्रॉस का। हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रीडर है जो कि रीड कर रहा है। हम ये एक रीडर कंसीडर करते हैं, यहां पर हमारे पास एक रीडर है जी, ये सपोज ये रीडर है। अब ये डॉट और क्रॉस देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो करंट ये ऊपर से देख रहा है इस तरफ, जब करंट क्या होगा, इसकी तरफ आ रहा होगा, ये इसकी तरफ ऐसे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये डॉट क्या बताएगा, ये हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स रीडर। तो इसको कहते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स रीडर। तो इसको हम शो करवा देते हैं किससे, डॉट से। और जब इससे वापस इस तरफ आएगा, ये इस तरफ नीचे की तरफ, तो देन क्या होगा, उससे डेफिनेटली रीडर से अवे जा रहा है करंट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम रीडर। और इसको शो किससे करवाते हैं, क्रॉस के साथ। तो उम्मीद है आपको ये डॉट और क्रॉस की समझ आ गई होगी कि डॉट क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स रीडर, किसकी बात करें हम, करंट की। और ये जो क्रॉस है ये क्या है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम रीडर। और मजीद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम एक एम्पीरियन लूप लेंगे। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर है, हमने इसको नाम दे दिया, ये इस पॉइंट को ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो एम्पीरियन लूप बेटा ऐसे ही है जिस तरह हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते थे, गाजियन सरफेस लेते थे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। तो वो किसी फॉर्म में सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके पास हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास किस फॉर्म में है,
रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और मजीद हम आगे चल के इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ए बी को नाम देंगे किसके बराबर है ये एल वन, बी सी किसके बराबर है एल टू, सी डी किसके बराबर है एल थ्री एंड डी ए किसके बराबर है एल फोर, एंड देन फिर हम एंगल देखेंगे बी और डेल्टा एल के दरमियान और उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम पुट करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। जी ये हमारे पास आ गई है नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है जी एल वन के। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाईलाइट भी करवा देते हैं। ए बी इज इक्वल टू किसके बेटा एल वन के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है एल टू, यानी कि ये ए बी किसके बराबर आ गया जी एल वन के, और बी सी किसके बराबर है एल टू के, सी डी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, सी डी किसके बराबर है एल थ्री, एंड डी ए किसके बराबर है एल फोर के। अब सिंपली क्या करते हैं, फार्मूला हमें पता है जिसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये हमारे पास फार्मूला है। और पहले हमने एम्पीरियन लॉ जब पढ़ा था वहाँ पर था कि एन लेंथ एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पर फोर हैं, ये ए बी सी एल वन बी सी एल टू एल थ्री एंड एल फोर, तो ये आर इज इक्वल टू वन टू फोर म्यू नॉट, और ये करंट इनक्लोज्ड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पी डॉट डेल्टा एल ए बी के लिए यानी कि फर्स्ट लेंथ एलिमेंट जो होगा उसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन फिर पी डॉट डेल्टा एल टू इसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि ये वाली साइड, और फिर एल थ्री वाली ये वाली होगी बी डॉट डेल्टा एल ये वाली, एंड बी डॉट डेल्टा एल फोर ये वाली फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी डॉट डेल्टा एल इंटू फर्स्ट साइड जो है फर्स्ट लेंथ एलिमेंट है उसके लिए फाइंड करते हैं। तो ए बी किसके बराबर है बेटा एल वन के, तो यहाँ जब हम इसको बी डॉट एल को डेल्टा एल को ओपन करेंगे तो क्या आता है, बी डेल्टा एल कॉस थीटा, और डेल्टा एल हम कहते हैं कि ये बी किसके बराबर है एल वन के। ठीक है, तो बी एल वन कॉस थीटा आ गया। अब हमने क्या करना है, बी और एल वन के दरमियान एंगल देखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और एल वन के दरमियान एंगल देखना है आपने। तो सिंपली अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन भी ये वाली है, और ए टू बी अगर आप देखें तो ये इसकी डायरेक्शन भी क्या है, यही है सेम। तो इन दोनों के दरमियान बेटा एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा जीरो डिग्री। तो जीरो को सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, तो बी एल वन कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए किसके बराबर होती है वन के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, बी डॉट डेल्टा एल वन किसके बराबर आ जाएगा, बी एल वन। तो ये हमने क्या किया, फॉर लेंथ एलिमेंट ए बी के लिए इसका आंसर फाइंड कर लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बी सी के लिए फाइंड करेंगे सी डी एंड डी ए, तो उसको भी देखते हैं। ये हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल टू यानी कि बी सी के लिए हम फाइंड करने लगे हैं, तो बी एल टू कॉस 90 डिग्री। अब बी और एल टू के दरमियान एंगल अगर आप देखें तो ये देखें, ये बी से सी ऊपर की तरफ है, तो इसको हम सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बेटर डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे, और जबकि L2 क्या है ऊपर की तरफ। तो अब अगर आप देखें एंगल दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए किसके बराबर होती है, जीरो। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमने क्या किया, आंसर फाइंड कर लिया किसके लिए, फॉर लेंथ एलिमेंट बी सी के लिए। इसी तरह क्या करते हैं, लेंथ एलिमेंट सी डी के लिए आंसर निकालते हैं, सी डी किसके बराबर था एल थ्री, तो ये बी डॉट डेल्टा एल थ्री इज इक्वल टू बी एल थ्री कॉस थीटा। अब अगर यहां पर देखें तो ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो बेटा ये सॉलिनाइड के आउटसाइड पर है, सी डी जो पार्ट है ये आउटसाइड पर है। तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, वो इनसाइड द सॉलिनाइड, ये देखें इनसाइड द सॉलिनाइड क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग होता है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं आउटसाइड, तो आउटसाइड को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत वहां पर वीक होता है। तो ये आउटसाइड पार्ट है, तो यहां पर बी फिर क्या आएगा, जीरो, एल थ्री कॉस थीटा, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। एंड जब हम फोर साइड लेंगे डी ए, डी ए किसके बराबर था एल फोर, तो इसको हम लिखेंगे बी डॉट एल फोर, बी एल फोर कॉस 90 डिग्री। अब ये कहां पर कॉस 90 कैसे आएगा, दोबारा ये देख लें, तो ये देखें कि L4 की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऐसे, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री।
जब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बने तो यहां पर हम थीटा क्या अगर 90 तो कॉस 90 की वैल्यू आपको मालूम है किसके बराबर होती है, जीरो। उसकी वैल्यू जीरो है तो हम यहां पर क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी डॉट डेल्टा एल फोर का आंसर क्या हमारे पास आ गया, जीरो। तो हमने क्या किया, लेंथ एलिमेंट ए बी के लिए भी आंसर निकाल लिया, बी सी के लिए भी, ए बी किसके बराबर था एल वन, बी सी किसके बराबर था एल टू, सी डी एल थ्री के, एंड डी ए किसके बराबर एल फोर के। तो ए बी का आंसर हमारे पास आ गया, बी सी का आंसर क्या है वो जीरो, सी डी आउटसाइड है, ये सोलिनाइड का आउटसाइड है तो इसका आंसर भी क्या आया जीरो, और डी ए का आंसर भी क्या आया है जीरो। तो सिंपली ये जो आंसर्स हमारे पास आए हैं इनको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको हम पुट करते हैं जी। ये देखें बी एल वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी कि एल टू वाली साइड जो थी, बी सी सी डी और डी ए वाली साइड, उनका आंसर क्या आए थे जीरो, जी हमने यहां पर पुट कर दिया। और दैट वन इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज, तो इस चीज को फिर हम लिख सकते हैं बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। और ये जो हमारे पास टर्म है करंट इनक्लोज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ क्या सोलिनाइड क्या हूं एन, और उन नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें से अगर हम एल वन लें उसमें से जो करंट गुजरेगा तो इसको हम बोलेंगे करंट इनक्लोज्ड बाय द एन एल वन लूप्स, तो वो किसके बराबर होगा एन एल वन आई। तो इसी चीज को फिर हम लिख सकते हैं बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट क्रॉस एन एल वन आई, और यहां से जो चीजें बेटा कटती हैं उनको काट दें, तो यहां से ये क्या होगा कि ये जो हमारे पास सिंपली एल वन है इसको हम काट सकते हैं किसके साथ, ये एल वन कट जाएगा इस एल वन के साथ, तो बाकी आंसर हमारे पास क्या है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली। और मजीद ये जो हमने स्टार्ट के अंदर बात की थी कि अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं किस चीज की, तो फिर सिंपली क्या करेंगे उसके लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो राइट हैंड रूल के अंदर मैंने आपको बताया था सिंपली आपने जो सोलिनाइड है उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ना है, तो उसको अपनी मुट्ठी के अंदर जब आप पकड़ेंगे तो ये फिंगर्स क्या बताएंगी करंट की डायरेक्शन, और ये जो थंब होगा आपके पास ये किसके डायरेक्शन बताएगा, ये नॉर्थ की, ये हमारे पास नॉर्थ होगा, और ये हमारे पास क्या होगा साउथ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं होल्ड द सोलिनाइड इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखें द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फीड इन साइड अ करंट कैरिंग सोलिनाइड। इसको हम एक दफा अगेन से रिवाइज कर लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है। तो ये हमारे पास क्या थी स्टार्ट के अंदर, ये एक सोलिनाइड थी, इसको बैटरी के साथ अटैच किया तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, जब करंट फ्लो होना इसके अंदर शुरू हुआ तो फीड प्रोड्यूस हुआ, तो इनसाइड सोलिनाइड के इनसाइड फीड क्या होगी वो स्ट्रांग होगी और यूनिफॉर्म होगी एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो आउटसाइड फीड जो है वो बहुत ही वीक होगी, तो हम क्या करते हैं आउटसाइड फील्ड कंसिडर करते हैं कि वो ना होने के बराबर है, तो आउटसाइड फील्ड को एज कम्पेयर टू इनसाइड फील्ड क्या करते हैं निगलेक्ट करते हैं। तो मजीद हमने राइट हैंड रूल की बात की और डॉट और क्रॉस के बारे में आपको बताया कि अगर यहाँ पर एक मौजूद है, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक रीडर मौजूद है तो करंट जब उसकी तरफ आ रहा होगा तो हम उसको डॉट से शो करवाएंगे और हम बोलेंगे डायरेक्टेड टूवर्ड्स रीडर, और जब इससे अवे जा रहा होगा तो उसको हम शो करवाएंगे क्रॉस से। जिस तरह अगर आप ये देखें ये अवे जा रहा है, ये टूवर्ड जा रहा है, अगर यहाँ पर ऊपर रीडर है तो ये उसकी तरफ जा रहा है और ये अवे जा रहा है, तो अवे को क्रॉस से शो करवाया। फिर हमने क्या किया, एम्पीरियन लूप लिया रेक्टेंगुलर लूप ये जो था, तो फिर हमने ए बी को नाम दिया एल वन के बराबर है, बी सी किस लेंथ के बराबर है एल टू, सी डी एल थ्री, एंड डी ए किसके बराबर है एल फोर के। मजीद फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व में एम्पीयर लॉ हमने यूज करते हुए इसको सॉल्व किया और ये जो थीटा बना यहां पर बी और डेल्टा एल, जब हम फर्स्ट लेंथ एलिमेंट लिया हमने ए बी तो जो थीटा की वैल्यू वो हम यहां पर पुट करते आए। इसी तरह जब हमने नेक्स्ट सेकंड लेंथ एलिमेंट लिया बी सी, उसमें जो थीटा की वैल्यू वो पुट की, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ यानी कि डी ए लेंथ एलिमेंट लिया, तो जो फर्स्ट लेंथ एलिमेंट था ए बी उसके अलावा बाकी सब का आंसर हमारे पास क्या आया जीरो। तो सिंपली जो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ये जो फर्स्ट स्टार्ट के अंदर हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली बेटा, इसके अंदर हमने क्या किया वैल्यूज पुट कर दी, तो वैल्यूज पुट की हमने तो
तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। और मजीद हमने करंट इनक्लोज्ड का भी बता दिया, ये किसके बराबर है, एन एल वन आई के, तो जो चीज कटती थी एल वन से एल वन कटता तो उसको हमने काट दिया, तो आंसर आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और एट द एंड हमने बात की कि राइट हैंड रूल से हम बी की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या किया, सोलिनॉइड को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया है, तो ये थंब क्या बता रहा है आपको, नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।